जब मैं आ रहा था ना रस्ते पे, तो मुझे एक बिजनेसमैन मिले, और जो इस यानी कि इस मुल्क के सरमाया एक बिजनेस, ये जो फूड का रिव्यू होगा ना, ये हैवी होगा। तो ये मेरे साथ गुब्बारे बेचते हैं, गुब्बारे बेचते, तो रोड पे गुब्बारे का बिजनेस है। हाँ जी, अच्छा है। कोई नमक मिर्ची कोई तेज हो गई। आतिफ भाई फूड ब्लॉगर आपके साथ मौजूद है। पिज्जा खाएंगे, पिज्जा इन सैंडविच खेते हैं। भाई नो भी खाओ, कैमरा मुबीन चला रहा है और वो कह रहा है कि यार भाई को भी खे के वो भी खाए। ये एहसास है, ये हम लोग इनका करते नहीं, देख के चले जाते हैं। का बहुत शौक था पहाड़ और मतलब डिफरेंट ऐसी जगहों पे जाना। सुबह का खाया है, उसके बाद अभी नहीं खाया, ये अभी खा रहा हूं। कोल्ड सैंडविच है, इनको कोल्ड सैंडविच कहते हैं। कोल्ड सैंडविच, हाँ। पहले कभी रोड पे जाते जूते यहाँ इससे देखते तो हो गए? हाँ जी देखते थे, दिल काला से दिखान था। हाँ जी, इनको की कहते हैं? इसका नहीं मुझे पता। इन पास्ता कहते हैं, पास्ता। हाँ, तो हमारे बच्चे यार, ये भी तो बच्चे ना, इनका भी तो ड्रीम है। यूं अगर हम किसी का सपना ख्वाब या ड्रीम पूरा करते तो हमें कितना सुकून मिलता। जैसे हमारे स्टार्ट था, बर्गर का टेस्ट क्या था, सच बता दे। अच्छा टेस्ट है, कोई मसाला मिर्चा ऐसे तेज है क्या? हाय हमजा, मेरा नाम हमजा इरफान है और मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी इस तरह है, वो मेरी अपनी कहानी है कि मुझे जब मैं छोटा होता था ना, तो मुझे महंगे रेस्टोरेंटों के अंदर और मुझे मतलब ट्रैवल करने का बहुत शौक था, पहाड़ और मतलब डिफरेंट ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पे जाके आपको मतलब जिसे हम कह सकते हैं खूबसूरत जगह, जिसे जैसे कि बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह जैसे कश्मीर या ट्रैवल वाली प्लेसेस जितनी भी ज़्यादा हैं अच्छी, तो मुझे वहाँ पर घूमने का बड़ा शौक था। तो जो मेरे अबू थे ना, वो छोटी सिटी थे, तो वो ना अक्सर लाहौर आया करते थे, मैं भी उनके साथ आया करता था। तो वो अक्सर ना हमें ज़ू में लेके जाया करते थे। जब हम ज़ू में जाते थे ना, तो वहाँ पे ना साइडों पे बड़े महंगे रेस्टोरेंट थे, वो मैं अंदर जब लोगों के बच्चों को या लोगों को खाना खाते देखता था, तो मेरा ड्रीम होता था कि यार काश मैं भी यहाँ पे खाना खाऊंगा, एक सपना था। तो आज तक जो मैंने पहला बर्गर और पिज़्ज़ा खाया था ना, वो मुझे याद है, मैंने 20 साल की उम्र में पहला पिज़्ज़ा खाया था, और मैंने जब पहला पिज़्ज़ा खाया था ना, तो मुझे रात को नींद नहीं आई थी। तो मैं जब गुजर रहा था ना, तो वहाँ पर मुझे एक लड़का नज़र आया, तो मैंने सोचा यार आज कुछ अच्छी चीज़ की जाए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं किसी को नीचा दिखाने, ये सिर्फ इसलिए कि यार शायद इसकी उम्र में मेरे ख्वाब नहीं पूरे होते, तो हो सकता है कि मैं इसका ख्वाब पूरा करूँ। क्योंकि देखे ना, वो जिस रेस्टोरेंट वो मतलब वो बलून वगैरह सेल करता है रोड पे, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये डेली इधर से गुजरता तो ये भी तो देखता हुआ ना, जैसे मैं गुजरता था मैं देखता था। तो मैंने ये चीज़ सोची, मैंने कहा यार आज ना इसका एक सपना पूरा करवाते हैं, और यकीन करें वो बाकी तो आप लोग आगे देखेंगे। और मुझे वो जो दिली खुशी हुई ना, कसम से मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। तो मेरा सिर्फ ये वीडियो या वो बनाने का मकसद ये था कि यार देखें ना, पर अल्लाह ने हमें पैसा या बहुत ज़्यादा अता किया है, तो हमें मतलब ऊपर वाले ने अता क्यों करता है, क्योंकि देखें ना वो देख के इंसान करता है। तो हमें भी चाहिए कि यार देखें, हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं महंगे महंगे रेस्टोरेंटों में खाना खिलाते हैं, तो यार क्यों ना कभी हम किसी का सपना पूरा कर दें। तो मैंने ये सोचा कि यार ये मैं सिर्फ वो वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि मुझे लोग देखें या मेरी फ़ैन फॉलोइंग बने, मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि यार हो सकता है कि मैंने जब मैं उसको वहाँ पे लेके गया ना, जब वो वहाँ पे बैठा और वो रेस्टोरेंट का माहौल इतना अच्छा था और देख के और उसकी खुशी और उसकी आंखों में आंसू आ गए, उस टाइम मैंने देखा, मैंने कहा यार तो चिल करके खा, जितना भी जैसे खाया जाता है खा, क्योंकि उस टाइम वो शायद किसी का वो मतलब लाइफ का वो ऐसा वक्त बन जाए जो उसे हमेशा याद रहे, कोई अपसेट या कुछ हो। जब आप किसी का सपना पूरा करवाते, हो सकता है कि आपका वो किया हुआ आपके लिए वो छोटा सा काम हो, लेकिन वो किसी के लिए इतना बड़ा बन जाए कि आप लोग सोचा भी ना आपने हो। तो मैंने क्योंकि मैंने कभी बर्गर या वो पिज़्ज़ा या उस एज में कभी खाया नहीं था, मुझे पास्ता वगैरह का पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसका ख्वाब पूरा करवाया जाए। अब मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना यार एक सीरीज स्टार्ट कीजिए, सिर्फ इसलिए स्टार्ट की जाए कि ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को या वो दया या दिखाने के लिए कि शायद मैं मुझे इंसानियत का है, या इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए सीरीज स्टार्ट की जाए कि यार क्यों ना अगर हम किसी का सपना ख्वाब या ड्रीम पूरा करते तो हमें कितना सुकून मिलता। जैसे हमारे स्टार्ट में नहीं, आज अल्लाह ने हमें अगर दिया है कुछ, तो अगर आज ऊपर वाले ने हमें अता किया है, तो क्यों ना हम किसी के सपने पूरा किए करें। तो मैंने फिर उसको लेके गया और जब मैंने उसके साथ खाना खाया, मुझे भी दिली तौर पे खुशी हुई और उसे भी, मतलब उसके लिए, क्योंकि उसने वो पहली दफ़ा खाया था, उसका नाम भी नहीं पता था, मैंने सारे नाम उसके साथ शेयर किए। मैंने कहा यार इन लम्हात में या किसी का ड्रीम करने पूरे करने में कितना मज़ा आता है। Thank you.
तकरीबन रात के 11 बज गए और 11 बजे मैं कुछ खाने के लिए आ रहा था, क्योंकि आपको पता है मैं फूड ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो एक चाय क्लब है, मैंने कहा उनका टेस्ट करते हैं और उसके बारे में रिव्यू दे देते हैं थोड़ा सा। तो जब मैं आ रहा था रास्ते पर तो मुझे एक बिजनेस मैन मिले, और जो इस यानी कि इस मुल्क के सरमाया एक बिजनेसमैन थे, जो मैंने उनको कहा कि यार क्यों ना मैं उनको साथ लेके जाऊं और उनको साथ लेके जाके उनके साथ तो फूड का रिव्यू करूं, क्योंकि ये जो फूड का रिव्यू होगा ना ये हैवी होगा। तो ये मेरे साथ है बिजनेसमैन, आपका नाम क्या है भाई, कैसे हो? आतिफ है। आतिफ, थोड़ा सा ऊंची बोला है, माइक इधर लगा हुआ है, ठीक है? हमारा आतिफ नाम है। हाँ जी। क्या करते हो? गुब्बारे बेचते हैं। गुब्बारे बेचते, रोड पे गुब्बारे का बिजनेस है। हाँ जी। और जगह ओके? हाँ जी ओके। पहले तो खाना खाते खाते बात करते हैं, खाना पहले तो आप करें, क्योंकि मैंने अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी फैमिलियों के और बड़े बड़े फूड ब्लॉगर कौन बनते हैं, बड़ी फैमिलियों से ऑफकोर्सली वो लोग ही करते हैं ना जहाँ पे जो स्प्रेड कर सकते हैं। पहले ऐसा कभी खाना टेस्ट किया? नहीं किया। पहले कभी भी नहीं आए? नहीं किया। अच्छा चलो शुरू करें, जो दिल करता है ना वो खाना है आपको, जो दिल करता है बेफिक्र हो आपका अपना है, स्टार्ट करो। ये स्पून, ये मुझे, मैंने ये खा के आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। हम लाहौर के अंदर चाय क्लब पे मौजूद है और मैंने ये डील मंगवाई थी, मैंने कहा चलो यार मंगवाता हूँ डील, बेसिकली इनकी डील भी चल रही है, तो मैंने कहा यार चलो डील भी टेस्ट कर लेंगे साथ इनकी। तो बाकी ये आपको बताया, आपका भाई कोई पेड रिव्यू या वो नहीं करता, हकीकत होती है। और ये भाई आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है इन्होंने। चलो स्टार्ट करो, लो जो आपका दिल करता है। मैं हाँ मैं डाल रहा हूँ। पता है इन्हें की कहते हैं? पिज्जा इन सैंडविच कहते हैं। सैंडविच। तू खा के हम दसना है कि टेस्ट किस तरह का है, खा के आपने बताना कि टेस्ट कितना है। ले स्टूल कर जितना तेरा दिल करता है इधर। हाँ इजी होगा खा। हाँ मजा दिता। मैं पास्ता भी देना। हाँ किस तरह का टेस्ट है? अच्छा है। नहीं सही दसना है? नहीं अच्छा है। कोई नमक मिर्ची कोई तेज हो गए? पहले कभी नहीं इस तरह का टेस्ट किया कभी इस तरह के रेस्टोरेंट? नहीं। अब्बू क्या करते हैं? भट्टे का काम करते हैं। अच्छा भट्टे का काम करते हैं। यार ये देखें, हम लोग फूड खाते हैं, हम लोग इतना वेस्ट भी करते हैं, यही वो चीज़ें हैं कि मैं ये कहानी आपको, जो आप कहानी जब सुनेंगे ना आपको इस कहानी का ज़रूर मज़ा आएगा। ये फूड रिव्यू और आपको इसके फूड के रिव्यू का पता चलेगा, ये फूड का रिव्यू कैसे ले मेरी जान अभी टेस्ट का। हाँ किस तरह का टेस्ट है? सही दसना है। अच्छा है। मज़ा आ रहा है खा के? मैं भी आप लोगों को बता दूं कि फूड व्लॉगर आपके साथ मौजूद है। खाती भाई फूड व्लॉगर आपके साथ मौजूद है। आइसक्रीम खाई थी, उसका टेस्ट है ये नहीं अच्छा था, उसका ये अच्छा है। अच्छा ये अच्छा है, ये नहीं कहना शर्माना नहीं है, मतलब लोग अपन देखते पे उन्होंने कहना पता नहीं पैसे लेके फूड रिव्यू अच्छा कर दे पे, पता नहीं मुंडा पकड़ के कितों बिठा लिया, तो मतलब तू थल अच्छा खाना खाया है? खाना कितों तक खाता है? खाना कितों तक खाया है? खाना कब से खाया आपने? सुबह का खाया है। उसके बाद अभी नहीं खाया, ये अभी खा रहा हूं। उसके बाद घर जाकर खाना था? खाना। हाँ जी। चलो ये एंजॉय करो लाइफ। सैंडविच वाकई अच्छा है, चीज वगैरह उन्होंने काफी यूज की है चीज के साथ। अच्छा ये चिकन सैंडविच है और मायोनीज का टेस्ट बहुत सॉफ्ट सैंडविच है, आप खाएंगे आपको मजा आएगा। कोल्ड सैंडविच है, इन्हें कोल्ड सैंडविच कहते हैं। हाँ भाई नो भी खा दो। नहीं, वो खाएगा। एहसास है फूड व्लॉगिंग में ये है, तो कैमरा मुबीन चला रहा है और वो कह रहा है कि यार भाई को भी खे के वो भी खाए, ये एहसास है। ये हम लोग इनका करते नहीं, देख के चले जाते हैं, लेकिन ये लोग एहसास करते हैं। और मैं आपको अपनी कहानी इस मुतल्लिक बताऊंगा कि मैंने ये क्यों सीरीज स्टार्ट की है। ये वो चीज़ है, देखे ना हम कितना वेस्ट करते हैं, हमारे बच्चे यार ये भी तो बच्चे हैं ना, इनका भी तो ड्रीम है ना, अगर अल्लाह ने इनको इतना नहीं दिया तो ये हमारा हक बनता है कि हम जो इतने आतब। रेस्टोरेंट किस तरह का लगा? वीआईपी। हाँ जी। मजा आया कोई? हाँ जी कोई आया। सपना तेरा होवे इत्थे आंदा पूरा होया? हाँ जी हो गया। अच्छा तू इत्थे नीचे गुब्बारे वगैरह सेल करदा सी? हाँ जी। खा खा नाल खा खा तू। पहले कभी रोड पे जाते जूते यहाँ इससे देखते तो हो गए? हाँ जी देखते थे। दिल काला से दिखा दो? हाँ जी। यानी कि अच्छा आता फिर इनू की कहते हैं? इनू दस की इनू की कहते हैं? उसका नहीं मुझे पता। इनू पास्ता कहते हैं? पास्ता। हाँ पास्ता की कहते हैं? पास्ता।
गरम होगा? हाँ जी गरम है। गरम है, चल फिर इंजॉय कर। अरे इधर टेस्ट दस किस तरह रहेगा? ये भी अच्छा है। अच्छा है। बर्गर और मैंने और आसफ ने आपका बर्गर का टेस्ट किया था, सच बता दें। अच्छा टेस्ट है। कोई मसाला मिर्चा ऐसे तेज नहीं है क्या? नहीं। अच्छा बर्गर, ये पिज्ज़ा बर्गर और इसका टेस्ट वाकई बड़ा अच्छा है। स्पाइसी थोड़ा सा स्पाइसी है, लेकिन पैटी वगैरह जो टोटल चीज़ के अंदर टोटली तौर पर रोस्ट हुई हुई थी और इसमें अपना मजा दिया। और कुछ? मेहरबानी नहीं, और कुछ? नहीं।